पार्किंग में वाटर टैंक और मोटर फिटिंग किस तरह से करनी चाहिए, और आप पार्किंग में वाटर टैंक फिटिंग क्यों और उसके फ़ायदे क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी है इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम मोटर फिटिंग किस तरह से करनी चाहिए और उसकी क्या प्लानिंग रहती है, यहाँ पे हमारी थोड़ी प्लानिंग चेंज है मोटर फिटिंग की। इसमें दो इनलेट रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पे पहले पुरानी मोटर की जो पाइपलाइन है उसको खोल के जो इनलेट है और जो आउटलेट है उसको सही तरह से देख के उसकी फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 इंच का MTA है, हम यहाँ पे पूरे CPVC फिटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें MTA को मोटर में टाइट कर लेना है। ये वीडियो में दोस्तों आपको स्टार्टिंग में देखाऊंगा जो वाटर टैंक रखी है और कॉर्पोरेशन का लाइन, ये दो इनलेट है और आउटलेट, ये आउटलेट सीधा ऊपर के टंकी में जाएगा, तो उसकी पाइपलाइन कैसी करना है और मोटर फिटिंग किस तरह से करना है, तो उसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें मोटर को एक जगह पर फिक्स करना है, उसके बाद ये कॉर्पोरेशन की लाइन है उसका इनलेट हम मोटर के पास लेके जाएंगे। ये 1.5 इंच का पाइप है CPVC। ये 1/1 पाउंड का बूश है, हमारी जो पाइपलाइन है वो सभी 1 इंच की है, तो हम उसको 1 इंच में कन्वर्ट करेंगे। जो 1 इंच की लाइन है इसको यूनियन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यूनियन में कभी भी लगता टाइम उसमें वाइसर है कि नहीं, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है वो पहले मोटर चालू करने के बाद नीचे की टंकी है बाजू वाली वो भी भर सकते हैं, या डायरेक्ट ऊपर टेरिस पे जो टंकी रखी वाली उसको भी भर सकते हैं। उस तरह से हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग का सिस्टम करके रखा है। तो हमारा जो फुल वीडियो आने वाला है इसका, ये सिर्फ यहाँ पे मोटर फिटिंग का ही है। तो फुल वीडियो के लिए देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हम इसके इनलेट को हम यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल का यही फ़ायदा है कि हम जो टंकी बैठाने वाले हैं बाजू में हमने पहले बिठा चुके हैं, तो उसका जो पानी मोटर में इन होगा तो वो कॉर्पोरेशन के पाइप में रिटर्न नहीं जाएंगे, सीधा मोटर में जाके ऊपर टंकी में जाएंगा। इसके लिए हम यहाँ पे NRB जिसे नॉन रिटर्न वाल कहते हैं उसको लगाने वाले हैं। NRB लगाते टाइम एक बार उसको चेक कर लेना ताकि अगर आप उसको उल्टा लगा देते हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। वो NRB में एक साइड से पानी ऊपर जाता है और एक साइड से पानी को नहीं जाने देता है, तो यही फायदा रहता है NRB का। देखिए दोस्तों, ये जो पाइप कनेक्शन हो रहा है, ये बाजू में टंकी फिटिंग है उसका इनलेट के लिए उसका कनेक्शन होएगा, या फिर हम उसको टी में यूज़ करेंगे। और हमने टंकी के पास एक वाल दिया है, वो वाल चालू करने के बाद ही इस मोटर में पानी आएगा।
नीचे हमने 1000 लीटर का वाटर टैंक रखा है। इस तरह से हम पाइप का मेजरमेंट लेते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में। प्लंबिंग की कौन सी भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल पर जाइए, इस चैनल पर अलग अलग वीडियो उपलब्ध है, हर फिटिंग की वीडियो है, तो आपको उसका ज़रूर फायदा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा मोटर का इनलेट, जो मैंने कहा था 2 इनलेट है। ये देखिए हमने टंकी के पास एक बॉल वाल दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे जो बोर अपना जो मोटर है उसका जो आउटलेट का जो पाइपलाइन है उसका कनेक्शन करेंगे। तो हमने पहले ही ऊपर की जो पाइपलाइन है जो टंकी में जाने वाली है उसकी फिटिंग अपने मोटर के नज़दीक ला ली थी। तो यहाँ पे इस हमारी जो मोटर है उसमें 2 आउटलेट रहने वाले हैं, एक जो यहाँ पे हमने ऊपर पाइप लगाया है ये इस वाटर टैंक में गिरेगा, वहाँ पे हमने ऊपर एक बॉल वाल का सिस्टम दिया है और उसको बॉल कॉक भी लगाया है। तो बॉल कॉक का यही फ़ायदा है कि हमारी टंकी फुल होने के बाद सीधा पानी ऊपर जाएगा, हमें जो बॉल वाल दिया है उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने टंकी के अंदर जो वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा जो बॉल कॉक लगा है चेंडू जैसा, उससे यही फायदा होता है कि टंकी अपने फुल होने के बाद वो पानी को बंद कर देता है और उसको दूसरी जगह पे जाने के लिए उसको छोड़ देता है। अगर आपको वाटर टैंक को दूसरा जो आउटलेट है जो दूसरी वाटर टैंक उसमें कनेक्शन रहा तो उसको आप बॉल कॉक ज़रूर लगा सकते हैं। और ये हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।